हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का 11.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज प्लेटफॉर्म, जो ऊपर उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है, जगह होती है, इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, जो ऑक्टागन की शेप में है, और एज शोन इन द फिगर, फिगर में जो देखेंगे अभी, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, ऑक्टागन की सरफेस का पता करना है। सबसे पहले हम हिंदी में अष्टफल बोल सकते हैं, तो ऑक्टागन बनाएंगे, और बनाए कैसे, एक पहले तो रेक्टेंगल बना लो एक, उसके बाद में इस तरह से शेप रहेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 7, और यहां से हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन हमको, जो इसकी लेंथ है ये 11 सेंटीमीटर 11 मीटर है, आपको यहां से रहेगी ये भी 11 मीटर है, और ये एक जो साइड है यहां से अदर साइड जो है इसको 5 मीटर दिया है, और इसका जो अल्टीट्यूड है ये आपको गिवन है 4 मीटर। ठीक है, तो इनको हम नेम रख सकते हैं, एज नेमिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, ले सकते हैं ए बी सी डी फिर ई एफ जी एच। ठीक है, इसमें आपको देखो एक ट्रेपेजियम यहां दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम यहां दिख रहा है, और एक दिख रहा है रेक्टेंगल। ओके, तो पूरे का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ऑक्टागोनल ठीक है, ऑक्टागोन के एरिया फाइंड आउट करना है, इसके अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोल सकते हो, ए आर लिख सकते हैं ऑफ ट्रेपेजियम, प्लस बीच वाला क्या हमारे पास रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को दिखा सकते हैं, प्लस अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 ब्रैकेट में L1 प्लस L2 होता है, मल्टीपल आपका अल्टीट्यूड, उसको आप हाइट बोल सकते हो। ठीक है, फिर यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, फिर वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में L1 प्लस का L2 मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड या फिर हाइट। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला है। अब 1/2 हमें बताओ कि हमें गिवन क्या है, देखो गिवन हमारे पास दो साइड है, लिख सकते हो यहां पे L1 है हमारे पास 11 मीटर, L2 है हमारे पास 5 मीटर, और जो अल्टीट्यूड है h वो कितना हमारे पास 4 मीटर। ओके, तो यहां पर देखेंगे L1 हमारे पास हो गया 11 प्लस जो L2 है वो हो गया 5, और हमारे पास हाइट कितनी है इसकी 4। फिर देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो लेंथ तो हमारे होगी कितनी 11, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी, अब कॉस ये 5 चल रही लाइन, तो ये लाइन में आपकी कितनी कितनी होगी 5 होगी, यहां से तो ये हमारी कितनी होगी 11 लेंथ, और इसकी ब्रेथ में क्या लेंगे 5। अगेन ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 L1, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, L2 कितनी हो जाएगी 5। ओके, ध्यान रखेंगे इस टाइम जो सारी शेप्स होती है ऑक्टागन में कोई भी हो, उन सब में ये इक्वल इक्वल होती है। अब ये
एजर तुम बता करो तो इसको निकाला हमारा डी रूट, ये पाइथागोरस से निकाला होता है, बट इसमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 मल्टीपल 11/5 की तो 16 मल्टीपल 4 प्लस 11/5 जा 55, फिर यहाँ पर 1/2 सेम मल्टीपल 11/5 कितना होता है 11/5 16, और यहाँ पे जो हम हाइट को भूल गए थे ये 4 आपके हाइट लिखनी है। ओके तो इजीली देखो 2 से 4 को कट कर दो, 2 जा 4, यहाँ से भी 2 से कट करेंगे 4 को, 2 जा 4 क्लियर। अब क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे 16 मल्टीपल 2 प्लस 55, यहाँ पर 62 जा वैसे आप 32, चलो डायरेक्टली लिख दो और दिखाना आपको तो कोई बात नहीं, 16 मल्टीपल 2 बचा हुआ है तो यहाँ पर 32 प्लस 55 अगेन 32, तीनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा 30 30 60 और 2 2 4 64 प्लस का 55, ऐड किया तो 5.9 होता है और 6 5 11। और एरिया जब भी आप निकालते हो किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हो तो आपको लास्ट में यूनिट क्या यूज करनी है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल का क्या हमारे पास आया है, एरिया एरिया ऑफ ऑक्टागोनल क्या है, 119 मीटर स्क्वायर या 190 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।